पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राजा बशारत ने दावा किया है कि वो 50,000 की लीड से जीत चुके हैं। बतौर सबूत उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है। उनका मुखालिफ एनए 55 में किसी पोलिंग स्टेशन पर कामयाब नहीं हुआ और आरओ फॉर्म 45 मानने से इनकार कर रहा है। आरओ मुखालिफ उम्मीदवार को फॉर्म 47 जारी करके जितवा रहा है। इंशाल्लाह अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राजा बशारत ने दावा किया है कि वो 50,000 की लीड से जीत चुके हैं। बतौर सबूत उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है। उनका मुखालिफ एनए 55 में किसी पोलिंग स्टेशन पर कामयाब नहीं हुआ और आरओ फॉर्म 45 मानने से इनकार कर रहा है। आरओ मुखालिफ उम्मीदवार को फॉर्म 47 जारी करके जितवा रहा है। इंशाल्लाह अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे। और PK52 से ये स्वाबी से नतीजा आपके साथ में शेयर करते हैं। PK52 स्वाबी से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार फैसल खान तरकई ने 42,259 वोट हासिल किए हैं, जबकि एएनपी के तौसीफ एजाज ने 23,317 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तो PK52 स्वाबी 4 से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार फैसल खान तरकई 42,259 वोट लेकर कामयाब, जबकि एएनपी के तौसीफ एजाज 23,317 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PB33 खारान का नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मीर शोएब नौशेरवानी 9,823 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, जबकि बीएनपी के सनाउल्ला बलोच 7,812 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं PB33 खारान से, मुस्लिम लीग नून के मीर शोएब नौशेरवानी 9,823 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि बीएनपी के सनाउल्ला बलोच 7,812 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं।